फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जीरा राइस, और वो भी मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अकेले हैं, जो लोग कुकिंग में नए हैं, एकदम बिगनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप आसानी से इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनेगा आपका ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जीरा राइस कितना अच्छा और खिला खिला बना हुआ है। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल मैंने राइस लिया है, राइस को मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसका पानी मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर ये कुछ काजू के टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। और फिर हम प्रेशर कुकर लिए हैं और उसमें मैंने डाला है घी, और यहाँ पे डाला है बहुत सारा जीरा, क्योंकि जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा तो अधिक होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे खड़े मसाले और काजू, और इसको भून लिया है। उसके बाद हमने जो राइस को मैंने लगभग 15 मिनट भिगोया था, ज़्यादा नहीं भिगोना है। और उसके बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में पानी निकाल के डाला है। और इसको क्या करना है कि हमें पानी के साथ नहीं डालना है, क्योंकि पानी के साथ डालेंगे तो हमारा जो राइस है वो अच्छे से भुनेगा नहीं, तो फिर वो खिला खिला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो राइस थोड़ा सा भून गया है, उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप जितना जैसे आपने एक बाउल राइस लिया है तो 1.5 बाउल वाटर ऐड करेंगे, और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो 1 बाउल राइस में 1 बाउल वाटर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमको नाप लेना है। और दूसरा तरीका मैं आपको और बताऊँगी, वो मैं आगे बताती हूँ आपको कि हमें दूसरा अंदाज़ा कैसे लगाना है ताकि हमारा परफेक्ट बने। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा साल्ट, और थोड़ा ताकि अच्छा लगता है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून जो है शुगर, और थोड़ा सा लेमन जूस। इसको ऐड करने से क्या होता है कि हमारा जो पुलाव है एकदम अच्छा और खिला खिला बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम हो गया है। और अब मैं आपको फिंगर का दिखाती हूँ कि इतना अगर आप डालते हैं तो आपका पुलाव जीरा राइस एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे हाई फ्लेम पे हमें 2 व्हिसल लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और हाई फ्लेम पे लगाना है। तो 2 व्हिसल हो गया है, यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा बना है, एकदम खिला खिला, बिल्कुल भी बराबर परफेक्ट है हमारा जीरा राइस। तो आपको देखिए एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं ये जीरा राइस को सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, खिला खिला। तो आप ज़रूर बनाइए, और इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, और कभी कुछ मन नहीं हो बनाने का तो भी अगर आप इस तरह से बना के खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने पनीर के साथ इसको बनाया था, तो पनीर की रेसिपी में ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये मलाई काजू पनीर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसके साथ हमने सर्व किया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जीरा राइस बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप भी बनाइए और खाइए, खिलाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।